दोस्तों कांगुनी फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो है तो हम जो हमारा पार्ट वन और पार्ट टू बना है तो आज पार्ट थ्री बनने वाला है, लेकिन उसका आप आज स्टिचिंग देखेंगे। जो हमने कटिंग की है उसकी प्रॉपर स्टिचिंग किस तरह से की जाती है ये आज हम इसमें आपको समझाने वाले हैं। इसके बाद का जो वीडियो बनने वाला है वो सलवार के ऊपर होगा और हम आपको सलवार भी पूरी तरह से कटिंग करेंगे और उसका स्टिचिंग भी दिखाएंगे। अगर इसी तरह से हमारे वीडियो आपको देखते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज जो है हम आपको बताएंगे कि स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आज हम शुरुआत करते हैं स्टिचिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने जो कटिंग करके रखा हुआ जो टॉप था वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बैक साइड और यहाँ पे हमने फ्रंट साइड लिख के रखा हुआ, जिसे हमने जो है अंदर से शेप दिया हुआ है वो हमारा फ्रंट साइड होगा और जिसे हमने अंदर से शेप नहीं दिया है वो हमारे बैक साइड होगा। सबसे पहले हमने जो फिटिंग का मार्किंग किया था वो सभी मार्किंग, अगर आपके पास इस तरह के ट्रेसिंग हील है तो इसे आप थोड़ा सा प्रेस देके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे ताकि जब भी हमें फिटिंग करने की जरूरत हो तो नीचे की ओर हमें फिटिंग पता चले। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो है हम मार्किंग करके रखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ से फिटिंग करना है। हमें बार बार टेप लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एकदम परफेक्टली काम करना चाहते हो तो इन छोटी छोटी चीजों को समझो और आपकी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि आपको क्या होता है कभी भी मेजरमेंट डालना होता है तो फिर आपको बार बार देखना पड़ेगा टेप लगा के कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसलिए आप तुरंत अगर मार्किंग करके रखेंगे और पूरी फिटिंग करेंगे और उसके बाद में जब आप गिन के देखेंगे तो मेजरमेंट करेक्ट आ जाता है। इसलिए आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना होता है और आपको परफेक्टली काम करना होता है। तो देखिए यहाँ पे बैग और फ्रंट हमने निकाला है तो हमने कैनवास के गले भी जो है तो आपको यहाँ पे निकाल के दिखे हुए, तो यहाँ पे हमने ये बैक साइड बनाया हुआ है और जो यहाँ पे आपको ये गला जो दिख रहा है तो ये हमारा फ्रंट है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सलवार का कपड़ा होगा इसका उसके ऊपर हम आपको इसे चिपका के दिखाने वाले हैं और वहां पे जो है हम इसे लगाने वाले, जो हमारा गला होगा तो हम इसी के ऊपर इसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम इसे जो है प्रेस से चिपकाएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमने गला निकाला हुआ है। अब हमें क्या करना है तो इसके बाजू में हम पाव इंच रखते हुए इसे पूरा कटिंग करेंगे और जब हम इसे गला लगाने वाले हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम आते हैं वो इसका हम इजी तरीका जो है आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका स्टिचिंग भी जो है तो हम आपको बताने, सिर्फ कटिंग करने से नहीं होता है दोस्तों, तो आपको स्टिचिंग भी प्रॉपर आना जरूरी होती है। जो हमारी गलतियां कटिंग के समय में होती है वो हम स्टिचिंग के समय में सुधार सकते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा और हम आपको ये पूरे डिटेल के साथ जो है जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बैक टू बैक देखते हुए चली जाइए तो आपको सभी यहाँ पे वीडियो जो है समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम आपको बताने वाले है कि किस तरह से आप इसे कवर करेंगे। तो ये सबसे पहले हम आपको इसे कटिंग करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों भी बैग और फ्रंट के गले बन चुके हैं। अब हम मशीन के ऊपर जाएंगे और सबसे पहले इसे क्या करना है ये आपको समझाएंगे। तो चलो मशीन पे जाने से पहले हम इसे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए ये हम बताते हैं। देखिए उल्टा और सीधा का पहले हम मार्किंग करेंगे। देखिए ये हमारा जो मार्किंग है उल्टा है और ये जो है तो ये हमारा सीधा है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जो उल्टी साइड होती है उस साइड में हम इसे डबल इस तरह से फोल्ड करके लेके आएंगे। तो अभी हम मशीन के ऊपर जो है इसे स्टिच करके आपको डायरेक्टली दिखा देंगे ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम बच जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे एक सिलाई लगा के लेके आए हुए, देख सकते हो आप ये पूरा जो है हमारा टॉप का मार्किंग। अब इसे भी हमने सिलाई लगाई नीचे बॉटम की तरफ और इसे भी हमने बॉटम की तरफ सिलाई लगाई ताकि ये जो कच्चा भाग होता है इसे हमने पैक करके रखा है। तो दोनों का भी जो बॉटम होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए हम पहले इसे सिलाई लगा के लिया। अब जो है सबसे पहले हमने जो ये कटिंग करके रखी हुई उसमें से एक पार्ट जो है हम साइड में करेंगे, कोई भी एक पार्ट आप साइड में कर सकते हैं और आपको जो है इसे उल्टे तरफ रखना है। ध्यान दीजिए मैंने इसे जो है ये उल्टा है और मेरा ये सीधा है। अब हमें जो है इसके अंदर क्या करना होगा जिसकी वजह से जो है हमारी सही से फिटिंग हो जाए,
तो अगर आपके इसमें कोई चून वो सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि जो भी आपका अंदर चून आ रही है वो निकल जाती है। तो आपको फिनिशिंग से अगर पहले सीखना है तो थोड़ी सी मेहनत जरूरी करना होता है, उसके बाद में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो तभी आपको किसी बात की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से इसे बिछाया है। अब देखो आप नए हैं तो हम इसे अच्छे से कैसे अटैच कर सकते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। अगर आप सही एक मास्टर हो तो आपको ये तुरंत पता चल जाता है मुझे कहाँ पे कितना गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर एक कारागिर भी हो आप तो ये आपको तुरंत पता चले जाएगा, लेकिन जो नए होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल जल्दी नहीं होता है। तो मैं आपको आज बता दूं कि आपको कहाँ पे क्या करना होता है। अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपके सामने कोई ये इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं जब भी ज्वाइन करने के लिए चले जाती हूँ तो ये ऊपर जाता है वो नीचे आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप क्या करना है, इस तरह से आपको मार्केट में बॉल पिन मिल जाती है, आप सभी को जो है ये पता ही होगा इस तरह से बॉल पिन मिलती है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसे जो है बॉल पिन लगा लेना है। तो यहाँ पे आप एक बॉल पिन लगाएंगे, आप थोड़ी सी दूरी पे भी लगाएंगे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक लगाएंगे, थोड़ी सी दूरी दूरी पे लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको मैं एक परफेक्ट नॉलेज देना चाहता हूँ, इसलिए जो है मैं यहाँ पे आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। क्योंकि मैं जो स्टिचिंग करता हूँ या मेरे जो कारागिर स्टिचिंग करते हैं तो सीधा सीधा वो ये कोई लगाते बैठते नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से वो लगाते बैठेंगे तो उनके जो है ज्यादा से ज्यादा नग नहीं बनने वाले हैं, इसलिए जो है उनको परफेक्ट जो है पता होता है कहाँ पे क्या होने वाला है, तो उसी तरह से जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो अभी मैं जो है इसे मशीन पे लेके जाऊंगा और इसे आपको स्टिच करके सीधा यहाँ पे लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बॉल पिन करके रखा हुआ है। स्लिप आपको कहाँ से भी स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर दो, या फिर यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ पे एंड कर दो, कहाँ से भी आप एंड कर सकते हैं और इसे स्टिच कर सकते हो। तो मैं पहला इसे जो है लॉक करके आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे देखिए हमने जो है इसे स्टिच करके लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ है इसे हमें काटना होता है, जितना भी हमारा कपड़ा यहाँ पे जो बचा हुआ है आपको इसे काटना होता है। देखिए पहला जो है हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, अब दूसरा पार्ट जो होता है तो उसे भी हमने इसी तरह से बॉल पिन लगाया गया है, लेकिन अब ये जो होता है तो ये हम सही में आपको स्टिचिंग करके दिखाने वाले है। एक तो हमने स्टिचिंग करके दिया हुआ है, एक हम आपको मशीन के ऊपर डायरेक्टली स्टिच करके दिखाएंगे। आपको जो है इस तरह से हाथ लगा के देखना है और जो भी झोल आ रहा है उसे आपको साइड में निकाल लेना है। अगर आप बॉल पिन लगाते हो तो आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि आपने वहां पे बॉल पिन लगा के रखा हुआ है। और आप देख सकते हो ये जो है पूरी तरह से हमारा यहाँ पे स्टिच हो चुका है। अब हम टेबल पे जाएंगे और जो एक्स्ट्रा का मार्जिन होता है उसे कटिंग करेंगे। तो अब देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा होता है उसे हमें कट कर लेना है और दोनों भी पीस जो है हमें यहाँ पे तैयार करने हैं। उसके बाद में जो है हम आपको गला कैसे लगाया जाता है बैग का वो बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ पे हमने निकाल दिया है। अब हमें इसका सेंटर करना होता है। सेंटर करने के लिए जो है आप एक तो इसके ऊपर प्रेस लगाइए या फिर किसी चौक से जो है इसे मार्किंग कर दीजिए। अब देखिए ये हमारा सेंटर है, या फिर आपको इसे बीचों बीच यहां तक आप अगर सिलाई लगाएंगे तो भी आपको सेंटर पता चलेगा। अगर नहीं आपको उस तरह से आता है तो सीधा आप क्या कर लीजिए, इसे डबल घड़ी कर लीजिए इस तरह से, और आपको इसके ऊपर घुमानी है प्रेस।
अब प्रेस घुमाने से क्या हो जाएगा कि जो नीचे का कपड़ा जो होता है अंदर का, उसे यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग आएगी, तो ये हमारा सेंटर होगा। आप देखें मुझे जो है तो यहाँ पे ये बैक साइड सबसे पहले बनाना है। देखिए यहाँ पे बैक साइड का भी मार्किंग करके रखा हुआ है और यहाँ पे सेंटर का भी मार्किंग करके रखा हुआ है। तो गले बनाने की भी कोई ही अलग अलग जो है तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको सही तरीका जो होता है जिसे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इस तरह से जो है हम आपको बताने वाले। सबसे पहले आपको यहाँ से इस तरह से पाव इंच पूरे राउंड में जो होता है तो आपको सिलाई लगानी होती है। तो हम सबसे पहले मशीन के ऊपर जाएंगे और आपको यहाँ पे एक सिलाई लगा के दिखाएंगे। देखो ये तो अंदर की देखो इस तरह से जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने जो है गला बना के लिया हुआ है, इसे साइड में जो है हमने सिलाई लगाई है। अब हमारा ये सेंटर होता है तो सीधा सीधा हम इसके बीच में रखेंगे और इसे यहाँ पे सिलाई लगा के लेंगे और ये सिलाई होने के बाद हम तुरंत ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो हम मशीन पे जाते हैं और सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लगाई यहाँ पे सेंटर की सिलाई। अब जो है हमें क्या करना है, जो भी हमारा सेंटर बना हुआ है उसे हमें चेक करना है। इस तरह से जो है हम इसे चेक करेंगे और जो है तो हम आपको कैसी सिलाई लगाती है ये बताएंगे। तो देखिए हम जो है अभी आपको जो मार्किंग किया है इसके ऊपर आपको सिलाई लगा के दिखा रहे हैं। तो देखिए ये हमारी सिलाई होने के बाद हम इसे पाव इंच रख के पूरा राउंड में कट कर लेंगे। अब देखिए ये गला कटिंग होने के बाद हम इसे छोटा छोटा इस तरह से नॉच लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारा राउंड होता है वो सही से पलटी हो जाता है। आपको इस तरह से सिलाई जो है कट करना है। अब देखिए ये गला कट होने के बाद जो है हम इसे इस तरह से इसके ऊपर एक दाब सिलाई देंगे, इसे हम प्रेस टिप भी कहते हैं। तो इस तरह से अब देखिए ये जो है तो हमारा फ्रंट साइड है। यहाँ पे हम 3 शो बटन लगाने वाले हैं, इसलिए इतना कपड़ा जो है हमने आगे निकाला। इसका जो डायग्राम जो होता है, जो गला निकाला है हमने आपको दिखाया हुआ है। अब जो है सबसे पहले हमें इसका सेंटर का मार्किंग कर लेना है, लेकिन सबसे पहले अगर हमें इसे कच्चा नहीं रखना है तो इसके लिए क्या करना होता है, एक होती है टेक्निक कि हम ऐसे ही करके यहाँ पे फोल्ड लगाते, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो हमें इसे इजी कैसे कर सकते हैं ये आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं। और ये अगर आप इस तरह से देखते हैं तो कभी भी आपके यहाँ पे पॉइंट खराब नहीं दिखेंगे, परफेक्ट दिखेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्या करना है, एक जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपके पास बचा होता है उसे आपको ले लेना। अब जैसे कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा का बचा हुआ है, अगर नहीं है तो आप इसे ज्वाइन कर दीजिए और उसको जो है आपको यहाँ पे रखना है और सिर्फ आप यहाँ पे इसे राउंड में सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हो मैं जैसी सिलाई लगाता हूँ वैसे आप भी सिलाई लगाएंगे तो आपका गला जो है एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे राउंड होता है वैसे वैसे जो है आपको यहाँ पे इसे घुमाना है। पॉइंट जो है तो आपको करेक्टली निकालना है। यहाँ पे जो है हमने पूरा गला जो है राउंड में कट कर लिया। आप जो है इसे हम थोड़ा सा रखते हुए इसे कट करेंगे, ज्यादा नहीं रखना है, काफी कम रखेंगे आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने जो है नीचे की साइड से इसे यहाँ पे रेड कलर का जो है कपड़ा लगाया, लेकिन अब हमें जो है इसे पलटी करने में काफी तकलीफ हो जाएगी, इसलिए आपको क्या करना है, सीधा इसे बीच में से आप काट दीजिए, सीधा काट दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। आपने काट दिया, आप काटने के बाद सिर्फ आपको ऐसे इस तरह से इसे पलटी कर लेना है। तो ये जो होता है ना ये हमें ज्यादा तकलीफ भी नहीं देता है और बहुत कम समय में जो है हम इसे अच्छा से अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं। आप देखो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, इसे रखना है और इसे करना है पलटी। देखिए ये भी पॉइंट जो है हमारे यहाँ पे निकल जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे पलटी करके लिया है, देख सकते हो आप यहाँ पे काफी फिनिशिंग में आपको जो है पॉइंट निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे भी काफी फिनिशिंग में पॉइंट निकलते हुए दिखाई दे रहे। अब हमारा ये फ्रंट है जो हमने लिखे रखा हुआ है। देखिए बैग और फ्रंट हमें समझने के लिए यहाँ पे हमने फ्रंट लिखा है और जो हमने गला बना के रखा हुआ बैग का वो हमने बैग लिख के रखा हुआ। अब देखो हम प्रेस नहीं लगा सकते, लेकिन लाइनिंग को जो है आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है तो उसके ऊपर आप जो है एक सिलाई लगा दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये हमारा सेंटर है। बस हमें यहाँ पे सेंटर लगेगा और यहाँ से हम इसे हटा देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमने ये सिलाई लगाई है और हमने यहाँ पे एक चौक की मार्किंग करके रखी हुई। अब हमें देखो जो भी एक्स्ट्रा हमारा अंदर का लाइनिंग का कपड़ा था जो हमने रेड लगाया था उसे आपको काट भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाजू में आपको सिर्फ रखना है। तो यहाँ पे हम बरोबर बीच में जो है इसे रखेंगे और यहाँ पे एक 5 नंबर की आप सिलाई लगा सकते हो और सेंटर जो है आपका सही से निकलना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सेंटर यहाँ पे निकाला है, बस हमें यहाँ तक ही लगाना है इसे सेंटर और अब हम इसे साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी चौक की मार्किंग है हम बरोबर उसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इसे अंदर से लगाया ताकि हमें इसे ऊपर के साइड में पलटी करने को मिल जाए। अब हम इसके ऊपर बराबर सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बराबर पान गले का आकार ये सेंटर का आ चुका है। अब हम इसे घुमा के लेंगे और इस और सिलाई निकालेंगे। ये पूरी तरह से जो है हमने गला यहाँ पे बनाया है। अब जैसे हमने जो है पिछले गले को काटा था वैसे हम यहाँ पे 1/2 इंच रखते हुए कट करेंगे। तो देखिये हमने गला पलटी करने के बाद हमें जो है इसे यहाँ पे कॉर्नर में लगानी ही सिलाई। जितनी अच्छे से आप सिलाई लगा सकते हो उतनी जो है आपको यहाँ पे सिलाई लगानी, लेकिन ध्यान में रखना है अगर हमारा कपड़ा जो कलर का है वो कलर का आपको धागा लगाना होता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपकी फिनिशिंग जो है खराब होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अपोजिट कोई भी धागा लगाएंगे तो वो सीधा सीधा दिखाई देगा। इसलिए जो कलर का आपका कपड़ा है उस कलर का आपको वहां पे धागा लेना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे जो है जो कलर का कपड़ा है उस कलर का धागा लिया हुआ है और उसके ऊपर हम सीधी सीधी सिलाई लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद हमें तुरंत इधर घूमना है और यहाँ से पूरी सिलाई राउंड में लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे अगर जो भी कुछ निकल रहा है थोड़ा बहुत तो हम इसे अंदर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हम ऐसे ही इसे इधर लाया और इधर से ऐसे इसी तरह से घुमा के पूरे राउंड में ये सिलाई लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो सिलाई बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ और इसका फिनिशिंग जो है काफी अच्छा दिखाई देगा। इसलिए आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जो है इसे पकड़ लीजिए और आप जो है इसे सिलाई लगाने के लिए स्टार्ट कर दीजिए जो है। तो ये पॉइंट जो है हमारे निकल रहे हैं। अब ऐसे हम कंटिन्यू जैसे इस तरह से करते हुए आए वैसे हम कंटिन्यू इधर भी सिलाई करके लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने देखी यहाँ पे इस तरह से गला लगाया है। अब यहाँ पे हम 3 बटन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक लगाया जाएगा, यहाँ पे एक लगाया जाएगा और यहाँ पे एक लगाया जाएगा। तो ऐसे 3 इसके ऊपर बटन लगने वाले हैं तो इसकी जो लुक होता है ये और अच्छा बन जाए। देखिए बेसिक है इसलिए हमने एक छोटा सा गला आपको इसमें दिखाया है। हमने जो है ये बैक साइड भी बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे कवर करना होता है। देखिए मैं इसे सबसे पहले साइड में निकालूंगा और ये जो पीस होता है तो इसे मैं इस तरह से यहाँ पे बिछाऊंगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो मैंने इसे लिया है तो जो मेरा फ्रंट है तो इसे मुझे इसके ऊपर सीधा रखना है। देखिए ये सीधा दोनों सीधा है, हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे हम गैप रखेंगे और यहाँ पे पहली सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाएंगे तो हम सीधा स्टिच करने के लिए चले जाते हैं। देखिए पहला शोल्डर जो है हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, अब हम दूसरा शोल्डर ज्वाइन करेंगे। अब देखिए इसे भी जो है तो हम इसी के ऊपर रखेंगे और इसे सीधा सिलाई लगाएंगे। ये जो एंड पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिलाई निकल चुकी है। अब हम इसे दोनों को अलग करेंगे, फिर से एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। अब क्या करेंगे हम इसे पलटी करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसे कवर कर दिया है और सीधी लगा रहे सिलाई। तो हमें दूसरे को भी क्या करना है ऐसे ही लेना है और ऐसे ही कवर करना है और इसे लगाना है सिलाई। तो इसी तरह से दोनों भी हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से पलटी होने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे खींचना है। तो देख सकते हैं ऊपर से ये आपका इस तरह से कवर बनेगा, इस तरह से कवर बनेगा। अब हमें क्या करना है, सीधा हमें स्लीव्स लगाना है। देखिए जो हमारा आगे का पार्ट होता है ये है और इसे हमें स्लीव्स लगाना है यहाँ पे। जैसे कि देखिए अब हमें स्लीव्स लगाना है। तो स्लीव्स लगाने से पहले हमने जो है गले को एक पैटर्न बनाया हुआ है तो उसी तरह से हमें स्लीव्स को कुछ ना कुछ लगाना है। इसलिए हम 1 इंच की यहाँ पे एक सीधी पट्टी निकालेंगे, 1 इंच की पट्टी निकालेंगे। हम यहाँ पे एक फोल्डिंग करके यहाँ पे जो है स्लीव्स को इसे लगाने वाले हैं।
देखिए यहाँ पे जो है हम ये पट्टी लगाने वाले हैं, इस तरह से हमने सिलाई लगाने के बाद इसे हम जो है एक दाब टिप देंगे यहाँ पे, ये होने के बाद जो है हम इसे सीधा पलटी करेंगे इस ओर, और यहाँ पे हमें चाहिए उतनी हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे इसे और पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से जो है हम दूसरे साइड को भी सिलाई लगाने वाले। सबसे पहले आप इसे देखिए और फिर दूसरी जो है हम डायरेक्ट दिखा देंगे। तो देखिए अभी हम जो है यहाँ पे ये स्लीव्स लगाने वाले हैं, और आपको जो है यहाँ से हम स्लीव्स आपको लगा के दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे सिलाई लगाई जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है, और पूरे राउंड में सिलाई होने के बाद जो है तो हम आपको बताएंगे कि हमें अभी कैसे फिटिंग करना होता है। तो देखिए जैसे हम ये स्लीव लगाएंगे वैसे हम दूसरी भी स्लीव सेम लगाने वाले हैं। अब देखिए हमने जो है यहाँ पे स्लीव लगाई हुई है, अब हमें फिटिंग करना है। 6 इंच का हमारी जो है गोलाई है स्लीव की, तो यहाँ पे हम 6 इंच के ऊपर रखेंगे और इसे सीधी सिलाई लगाएंगे। अब देखो ये सीधी सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए मुंडो क्या, और यहाँ पे जो है आपको सिलाई लगाते चले जाना। तो आप देख सकते हो हमने जो है यहाँ पे चौक का मार्किंग करके रखा हुआ है फिटिंग का, तो हमें कोई फिटिंग देखने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा यहाँ पे आएंगे और जैसे जैसे हमारी फिटिंग की मार्किंग है वैसे वैसे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारा जो साइड कट होता है वहां पे हमने इसे निकाल दिया है। अब हमें दूसरे साइड में भी इसी तरह से जो है सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो है तो ये हमारी दूसरी साइड की फिटिंग है, यहाँ पे हम आगे पीछे करके निकाल देंगे, और अब हमें लास्ट में लगाने कट। साइड कट होने के बाद जो है तो हमारी जो है यहाँ पे पूरी तरह से ड्रेस जो है बन जाती है। अब देखिए साइड कट कैसे लगाया जाएगा, तो देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारा ये भाग दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो अब हम जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे मेन बात ये होती है कि हम शुरुआत करें कहाँ से। अरे यहां से शुरुआत करें तो ये कपड़ा पकड़ने को नहीं आता, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां से नहीं शुरुआत करना है, शुरुआत करनी यहां से। देखिए आप यहां पे इसे पकड़ेंगे सीधा सीधा और इसे फोल्ड करते हुए नीचे तक चले जाएंगे। अब जितना आपको कपड़ा गया है अपने उतना दबाइए और यहां से आप सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां का कटिंग, यहां की फिटिंग। अगर ये सही से आ गई, यहां पे कपड़ा अगर आपका लाइनिंग बाहर नहीं निकलता है तो यहां पे एक्स्ट्रा आपका लाइनिंग होता नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये होती है कि इसे आप धीरे खींचे और इसे ढीला छोड़ते हुए चले जाइए, तो आपका जो साइड कट होता है ना कभी भी घूमेगा नहीं, ये भी आपको समझना होगा। अब देखिए मैं पूरा कट जो है आपको एक साइड का लगा के दिखाऊंगा और आपको पता चलेगा उसके ऊपर से कि हम यहाँ पे साइड कट कैसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है साइड कट आ चुका है, तो यहाँ पे हमें चौकन बनाना है। क्या करना है, चौकन बनाना है। देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं रुक गया है। अब मैं इसे इस तरह से घुमाऊंगा और यहाँ पे भी मैं ऐसे जितना मेरा कपड़ा ज्यादा है उतना मैं फोल्ड कर लूंगा और इसे सीधा नीचे की ओर सिलाई लेके चले जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सीधा नीचे सिलाई लेते हुए चले जाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम इसे निकालेंगे और तुरंत हम ऐसे रखेंगे इसे और इस ओर से किनारी लगाएंगे। ध्यान रखिए अगर आपका यहाँ पे ये घूम जाता है तो आप थोड़ी सी उंगली बैक साइड से रखेंगे और इसे सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम रुक गए हैं और हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाते हुए लेते हैं। अब देखिए ये होने के बाद हमारा दूसरा कट हम आपको लगा के सीधा दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो है साइड कट हो चुके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीधा इसे देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ आपको बताया है। अब हमें नीचे का फोल्ड करना होता है, अब हम जो है इसे नीचे का फोल्ड आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम इसे सीधी सिलाई लगाएंगे
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये पूरी तरह से यहाँ पे ड्रेस रेडी कर दिया है। इसका फिटिंग जो है आपको मिल गया है, गला भी हमने आपको इसके अंदर समझाया हुआ है और ये पूरा हमने टॉप आपको अच्छा से समझाया है। अगर आपको इसी तरह से वीडियो अगर आपको चाहिए होते बैक टू बैक, तो आपको जरूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए और आपको हम ज्यादा से ज्यादा सिखाने का कोशिश करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारे यहाँ पे एंड हो जाता है।